हाय हेलो दोस्तों, आज हमारे नवी वीडियो के अंदर तुम्हारा सबको स्वागत है। आप देख सकते हो ये है पल्सर की इंजन। इसके अंदर हम तुमको चार चीज़ें बताएंगे। पहला है किकर शाफ्ट को कैसे बिठाया जाता है, दूसरा है सीजर गियर व्हील को कैसे बिठाया जाता है, उसकी टाइमिंग क्या है, और चौथा है कि इसके आयल पंप को कैसे सफ़ा किया जाता है, उसके अंदर सफ़ा करने से आयल पंप को ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो के अंदर तुमको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के अंदर बने रहो और पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर करना। देख सकते हो दोस्तों, इसका किकर स्प्रिंग को ना हम ऐसे बिठाना है जिस तरह की इसको रिवर्स में खींच कर इसको हम बिठाएंगे ना, जब ये अच्छी तरह से बैठेगा। देख सकते हो उसका हम बहुत बहुत टाइट रहता है। इसको हम शाफ्ट लेकर इसको हम ध्यान से अच्छे से बिठा लेंगे। देख सकते हो इस तरह के से बिठा के छोड़ देंगे तो जो वो भेट जाएगा। जो व्हील देख सकते हो ये है किकर की सपोर्ट व्हील है, जिस तरह के हम की गाड़ी गियर के अंदर भी रहती है, जब उसको हम क्लच पकड़ के मारेंगे ना ये व्हील को क्लच बिल्कुल फिर आती है जब इंजन स्टार्ट होती है। अब चलो दोस्तों तुमको हम बता देते हैं कि सीजर गियर की टाइमिंग कैसे लेते हैं ना, गियर में भी उसको हम किक को मारेंगे तो जब सपोर्ट करेंगे। देख सकते हो दोस्तों, इंजन में सपोर्ट ना रहेगी तो गाड़ी स्टार्टिंग ना होगी। रखने के बाद अच्छे से पीछे की तरफ से दो लाइन को खिंचाया था। देख सकते हो पीछे की तरफ से दो लाइन, देख सकते हो दो लाइन खींच लिए हैं और उसके अंदर सगाए थे, और सामने की तरफ से पिच्चे को दो लेन रखा जाता है। उसके बाद में उसको उसके सामने एक वाचर आता है उसको लगा लेते हैं। उसके बाद में उसको अच्छे तरीके पे सेटिंग करते हैं। उससे पहले इसके अंदर एक टाइमिंग रहती है, जैसे तो ये व्हील के अंदर जो निशानी है उसके ऊपर जो निशानी है उसके बराबर रहना चाहिए, उसकी वो टाइमिंग है। और क्रैंक के पास भी एक टाइमिंग रहती है, उसको हम तुमको बता ही देंगे कि पूरा अच्छे से रखने के बाद पूरा हम पहले सीजर गियर व्हील को सेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना, अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो सीजर गियर व्हील ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा ढीला ना रखें, ज़्यादा टाइट ना रखें इसके सीजर गियर व्हील। दोस्तों ये ज़्यादा लूज रखने से और ज़्यादा टाइट रखने से सीजर गियर व्हील ख़राब हो जाती है। किस लिए कि जब ज़्यादा लूज होगा तो गाड़ी पूरी वाइब्रेशन लेगी, ज़्यादा टाइट होगा तो वाइब्रेशन लेगी। दोस्तों सीजर गियर व्हील के अंदर भी एक टाइमिंग रहती है, उस टाइमिंग को हम तुमको बता देंगे। अगर टाइमिंग के खिलाफ रखेंगे तो गाड़ी के अंदर पिकअप से बराबर नहीं होगी। जैसे तो यह क्रैंक के पास जो लोड भी लाती है उसके ऊपर एक निशान बना रहता है, उसको निशान को देख सकते हो। यह सीजर गियर व्हील पर जो सुराख है छोटा वाला उसके बराबर ये रहना चाहिए, और क्रैंक के पास जो ये निशानी दिखती है इसके बराबर ये रहना चाहिए। यह है सीजर गियर व्हील टाइमिंग। ये देख सकते हो आयल पम्प, देख सकते हो कितना ख़राब हो चुका है। दोस्तों ऐसा ही आयल पंप ब्लैक हो जाएगा तो गाड़ी के अंदर आयल सप्लाई नहीं होगा, उसके बाद में गाड़ी सीज हो जाएगी। दोस्तों जब भी हम क्लच केस खोल लेते हैं तो इसको आयल पंप को जरूर चेक करना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो कितना गंदा है। दोस्तों पहले हम इसको सफ़ा कर लेते हैं, इससे पहले पेट्रोल से अच्छे से धुल लेते हैं। देख सकते हो इसको हम अच्छे से धुल चुके हैं, इसको हम फिटिंग कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से फिटिंग कर लेना है, इसलिए कि आयल पंप ब्लैक हो जाएगा गाड़ी सीज हो जाएगी। ध्यान से बिठा लेना है। जैसे तो इसको हम बिठा चुके हैं, इसके ऊपर क्लैंप आता है उसको हम बिठाई देंगे। जैसे तो दोस्तों इसके पीछे वाले हिस्से से लेकर उधर एक इधर गाड़ी सिस्टम आता है उसको उसमें बिठाई देंगे। दोस्तों यह है आयल पंप क्लीनिंग सेटिंग, और इसको हम गाड़ी के अंदर बिठाई देंगे। दोस्तों अगर हम तुमको ये ट्रिक पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर पहले करता वीडियो के अंदर आया हो तो सब्सक्राइब करके